नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564903096906089752385 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए हम जो पेड क्वेश्चंस को देख रहे हैं लगातार कंटिन्यू करेंगे उसको आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक, पिछले जितने भी वीडियोस हो चुके हैं अब तक 16 वीडियोस हो चुके हैं, प्लीज उसको अगर आपने नहीं कवर किया है तो कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है सब कवर करवाए गए हैं इसमें। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन आज का देखेंगे कि मई 2022 को जारी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण फिफ्थ, ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट अभी आई थी। तो देश में केवल 5 ऐसे राज्य हैं जहां की प्रजनन क्षमता जो है 2.1 से अधिक है। इनमें से कौन सा राज्य अब देखेंगे सूची में शामिल नहीं है, हमको वो बताना है। तो मध्य प्रदेश हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस सूची में ये शामिल नहीं है इन 5 राज्यों में। 5 कौन कौन से हैं, तो जैसे सबसे ज़्यादा अगर हम 2.1 से अधिक की बात करें तो वो बिहार में है 2.98, है ना। उसके बाद है आपका जो है इसमें मेघालय में 2.91, यूपी में है 2.35, और इसके अलावा जो है झारखंड में 2.26 था, एंड लास्ट में जो 5वां हमारा बचता है वो मणिपुर है 2.17। ठीक, तो इनके जो है स्टेट्स के नाम और इनकी जो प्रजनन क्षमता दर है ना उसको याद रख सकते हैं आप। अभी आने वाले टाइम में चूंकि लेटेस्ट डेटा है तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार NBFC यानी कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, इनको अगर क्रेडिट कार्ड इशू करना है किसी को तो उनकी जो मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट है ना, उनका जो कह लीजिए स्वामित्व मिनिमम उनकी निधि होनी चाहिए किसी NBFC की, वो कितनी होनी चाहिए। ठीक, तो ये अमाउंट है जो है 100 करोड़ रुपए। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया है ना, एयरटेल पेमेंट बैंक, तो ये सब NBFCs को अगर क्रेडिट कार्ड इशू करना है तो यहाँ पे उनकी मिनिमम नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। हाल ही में 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार जो है इससे किसे सम्मानित किया गया। ठीक, तो इसमें डॉक्टर सिंथिया रोसेंस वेग है ना, ये इनका पूरा नाम है, इनको दिया गया है, ये US की हैं। ऑप्शन ए जो हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा। फूड प्राइस जो है ये जो हमारा ये ऑब्जर्व होता है ना UN के जो द्वारा एक डे है रिकग्नाइज किया गया है जिसको UN वर्ल्ड फूड डे के रूप में, तो उसी के अराउंड जो है इस अवार्ड को भी प्रेजेंट किया जाता है। एक US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, उसके द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है जो फूड के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं। ठीक है, और अभी रिसेंटली जो ये इनको दिया गया है सिंथिया रोजन वेग जो है, तो इनका एक रिसर्च वर्क है जो रिलेशनशिप है क्लाइमेट और फूड सिस्टम का, है ना, जो कि फ्यूचर में किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज की वजह से चेंज हो रहा है, तो इन सब जो ऑब्जेक्टिव पे इनकी जो रिसर्च है उसके लिए इसको अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है हाल ही में सुनील छेत्री जो कि एक फुटबॉल प्लेयर हैं, काफ़ी फेमस हैं, तो इनको रिकॉर्ड कौन से टाइम्स जो है AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उसके द्वारा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है चुना गया है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड जो है 7th टाइम चुने गए हैं, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले की अगर हम बात करें तो 2007 में, उसके बाद 11, 13, 14 और 17 और 19, है ना, इन वर्षों में भी ये फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है चुने गए थे। देश में पहली बार किस राज्य में 12 अगस्त से वर्चुअल पासपोर्ट अदालत का आयोजन किया जाएगा। ठीक, तो वर्चुअल पासपोर्ट अदालत से संबंध ये है कि जैसे अभी कोविड के लॉकडाउन के दौरान जो लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन और तमाम तरीके की कुछ वेरिफिकेशन जो होती हैं उसके लिए यहाँ पे जो है मीटिंग्स वगैरह की जाती हैं जिनको अदालत का रूप यहाँ पे कहा जा रहा है। तो कोविड में जो है ये काम भी बाधित हुआ, तो मध्य प्रदेश में इस चीज़ को जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे शुरू किया जा रहा है जिसमें कि जो अथॉरिटीज़ है पासपोर्ट अथॉरिटीज़ वो जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको वीडियो कॉल वगैरह करके इन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे और यहाँ पे उनको जो ये चीज़ों का जो है पासपोर्ट को अप्रूवल वगैरह किया जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए।
अगला देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, यानी कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, तो उसमें जो विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर है उसका कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका पर। जैसे कि भारत के संदर्भ में समझिए तो क्या है, सरकार जो है एग्जीक्यूटिव संसद के जो सदस्य हैं उनसे ही मिलकर बना होता है, ठीक। तो अब जो हमारे जैसे लोकसभा की हम बात करें तो जो लोकसभा हाउस है तो सारे मेंबर्स के पास ये राइट्स है कि वो तरह तरह के जो मोशंस होते हैं उसको पार्लियामेंट में इशू कर मतलब रेस कर सकते हैं, ठीक है। सेंस्योर मोशन जैसे हो गया, पॉलिसी कट मोशन हो गया, ठीक। उनके पास एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन करने का जो है राइट है, सवाल पूछ सकते हैं। तो क्या है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी है, और अगर आपने ये पॉलिटी में जैसे आर्टिकल 75 पढ़ा होगा तो उसका जो सब क्लॉज 3 है उसमें लिखा है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा, ठीक। तो क्या है, वो जो लोअर हाउस है हमारे उसके प्रति उत्तरदायी है, ठीक। तो ये सब प्रावधान क्या बताते हैं कि इसमें यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है दैट हैज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। तो डिटेल में जो है हमारा जो पार्लियामेंट वाला पार्ट है इसको पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे टाइम कम होने के कारण आपको जो है कुछ बेसिक जानकारी ही बताई जाती है। नेक्स्ट है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी, ठीक है। ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी जो है भारत की पहली ऐसी होगी, ये ओडिशा में स्थापित किया जाएगा इसको। हाल ही में डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, थोड़ा यहाँ पे करेक्शन होगा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो रेड्डीज इंस्टीट्यूट के द्वारा देश की जो पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब का जो है स्थापना किया गया है, ये किस जगह किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज का नाम आपने सुना होगा, जैसे कि जो मेडिकल में आप टेस्ट वगैरह कराते हैं तो इनकी कई जगह आपने लैब वगैरह देखी होंगी, ठीक है। तो ये अपने आप में कलेक्टिवली इंस्टीट्यूट है, तो इन्होंने हैदराबाद में ये जो फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी है इसको स्थापित किया है, ठीक। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो फ्लो टेक्नोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो यहाँ पे सारा कुछ जो कह लीजिए केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल वगैरह या जो रिसर्च वर्क होता है, ठीक है, वो काफ़ी एक जो ऐसे पाइप्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है उसके थ्रू होता है। तो हालांकि बहुत डिटेल हो जाएगा, इतना जानने की जरूरत नहीं है, इसको बस ध्यान रखिएगा कि इसको हैदराबाद में जो है स्थापित किया गया है, ठीक। और चूंकि देश की पहली जो है फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब है तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखना है प्लेस ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगला है, बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, ठीक है। तो ये एक बेसिकली इंस्क्रिप्शन है, बोगस कोई इंस्क्रिप्शन। यहाँ से जो है अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का जो है नामोल्लेख प्राप्त होता है, बी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। जैसे ऋग वैदिक गॉड हैं जो आपके इंद्र वरुण मित्र ये सब जो हैं, इनका मेंशन इसमें बोगस कोई में मिलता है, ठीक। ये 14th century BC के आसपास जो है इसका डिस्कवरी हुआ था, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे। आप ये बताइए कि ये जो है वर्तमान किस जगह में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप, जिसका कि नाम शॉर्ट फॉर्म में फास्ट कहा जा रहा है इसको, और फुल फॉर्म है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, ठीक है। तो इसको किस देश ने भी बनाया है, तो ये चाइना के द्वारा जो है बनाया गया है, सी ऑप्शन को चुनेंगे। मई 2022 में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन जो है निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया, तो ये आयोजित हुआ था डेनमार्क में। आपको ये बताना है नॉर्डिक जो ग्रुप है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज जो है शामिल हैं। अगला देखिए, हेल्थ केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी, क्लाइमेट और कल्चर, ये थीम है। इसके साथ विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी कि जो हैंड हाइजीन डे है उसको किस दिन मनाया गया, ठीक है। तो जैसे कि अभी कोरोना में ही आपने देखा होगा, तो आपसे कई बार जो है अमिताभ बच्चन जी भी फोन उन पर बोलते रहते थे ना कि हाथ धोते रहें ताकि सफाई बनी रहे, तो इसके लिए एक प्रॉपर डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 5 मई को। दुनिया की 5 चोटियों जो कि 8000 मीटर से अधिक हैं, इनको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई हैं, तो अभी ये चर्चा में भी रही थी काफ़ी, जो है माउंट एवरेस्ट से लेके जो हमारी टॉप 5 पीक्स हैं उसको इन्होंने जो है स्केल कर लिया है। एंड ये क्वेश्चन सीधा सीधा जो है अभी उत्तराखंड प्रीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था अप्रैल में उसमें भी पूछा गया था, तो ये हैं प्रियंका मोहिते। हाल ही में शुक्र ग्रह जो वीनस है इसके अध्ययन हेतु इसरो ने किस वर्ष तक एक शुक्रयान 1 है ना इस मिशन को भेजने की घोषणा की है, तो जो वीनस को स्टडी करने के लिए मिशन जो लॉन्च होगा दिसंबर 2024 तक। हाल ही में किस राज्य के हनुमानगढ़ जिले में
गोगा मेड़ी मेला जो है आयोजित किया गया। ठीक, तो हनुमानगढ़ जिला कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ये गोगा मेड़ी जो है एक विलेज है हनुमानगढ़ में, जहाँ पे ये मेला आयोजित होता है, जिसमें कि लगभग जो सभी धर्म के लोग हैं ये अपनी आस्था प्रकट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये एक मेला जो है आयोजित होता है। हाल ही में किस देश में पशुजनित लांग्या हेनिपा वायरस का पता चला है? ठीक है, तो जैसे कोरोना वायरस था वैसे ही एक अभी चर्चा में रहा लांग्या वायरस। ठीक है, तो जो है एनिमल बॉर्न डिजीज है ये, डिटेक्ट हुआ है ये चाइना में। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा जापोरिश जिया। ठीक है, ये नाम देख लीजिएगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो ये है यूक्रेन में। ठीक, सी ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे। बेसिकली जो ये सॉरी रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो है, युद्ध के दौरान रशिया ने इस जो पावर प्लांट है इसको ऑक्यूपाई कर लिया था और इसको एज अ मिलिट्री बेस जो है वो यूज कर रहा था यूक्रेन के ऊपर अटैक्स करने के लिए। ठीक है, तो इन सब वजहों से ये चर्चा में रहा था। तो नाम ध्यान रखेंगे जापोरिजिया, जो कहाँ पे है? यूक्रेन में। हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ठीक है, तो काफी फेमस जो है टेनिस प्लेयर रही सेरेना विलियम्स, एंड ये थी यूएसए। ठीक, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने 1000 से ज्यादा पक्षियों की प्रजाति पर एक नई किताब प्रकाशित की है। तो यही बताना है कि जो प्राणी सर्वेक्षण है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो ये है कोलकाता में। ठीक, इसकी स्थापना जो हुई थी ये जुलाई 1916 में हुई थी। ये भारत सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके अंतर्गत कार्य करता है, और जो हमारा देश में जितनी भी फौना की प्रजाति जितनी भी हैं उनके रिसर्च और एक्सप्लोरेशन और प्रमोशन के क्षेत्र में ये कार्य करता है। ठीक, अगला है, अगस्त 2022 में किस देश की संसद ने देश में चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जेम्स मारेप, इनका नाम ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे, इनको जो है दोबारा प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए जो है नॉमिनेट किया है। तो ये संबंधित है यहाँ से पापुआ न्यू गिनी जो है, यहाँ से डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 27 अगस्त 2022 से न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे? ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में इनको यू ललित भी कह के जो है कई बार आपको मेंशन मिलेगा इनका। तो ये भारत के 49वें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। 27 अगस्त से इनका कार्यकाल जो है चालू हो रहा है, और उसके बाद जो है छोटा सा ही इनका कार्यकाल है जो है 8 नवंबर 2022 को समाप्त हो जाएगा, जो कि चूंकि प्रावधान ये है ना कि 65 साल अपर एज लिमिट होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, तो उसके बाद जो है नए चीफ जस्टिस 50वें मिलेंगे भारत को। तो ध्यान रखेंगे इन फैक्ट्स को, डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगला देखिए, हाल ही में लंपी स्किन रोग की स्वदेशी वैक्सीन यानी जो इंडिजिनसली डेवलप हुई है, इसका नाम है लंपी प्रो वैक इंड। ठीक, तो इसको लॉन्च किया गया है। तो ये वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने किस संस्थान के सहयोग से बनाया है? ठीक है, तो इसमें जो कोलैबोरेशन है यहाँ पे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है, बी ऑप्शन, इनके सहयोग से इसको बनाया गया है। लंपी स्किन रोग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है। एलएसडी जो ये बीमारी है बेसिकली एक वायरल डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन है, जो कि मुख्य रूप से जो गाय होती हैं इनमें होता है। ठीक, और इसमें जो है काफ़ी लीथल होता है, जान भी चली जाती है इसमें यहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इनके सहयोग से इस जो वैक्सीन को डेवलप किया गया, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, लंपी प्रोवैक इंड। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो है प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो दिया जाता है मेल और फीमेल प्लेयर्स को, तो जुलाई 2022 का जो अवार्ड दिया गया है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का, ये एम्मा लैम्ब जो है इनको मिला है। तो ये किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये इंग्लैंड की हैं, डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो उसमें जो है श्री अरबिंदो के बारे में पढ़ा होगा, तो महर्षि अरबिंद जो है उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो इनिशिएटिव चल रहा है अभी, तो इसके तहत किस मंत्रालय के द्वारा महर्षि अरविंद की 150वीं जयंती मनाने के लिए देश में स्थित 75 जेलों में आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? ठीक, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है यहाँ पे ये जो स्पिरिचुअल टाइप के कार्यक्रम है 75 जो प्रिजन्स हैं इसमें आयोजित किए जाएंगे, और इनके बारे में आपको पता ही होगा, जैसे कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे पूछे जाते रहे हैं कि जो है नेशनलिस्ट थे ये, पोइट थे, योगा गुरु थे, फिलोसोफर थे। ठीक है, और एक न्यूज़पेपर था उसके बारे में पूछा गया कई बार, वंदे मातरम, ठीक है, उसके चीफ एडिटर भी रहे थे। ठीक है, तो इन सब फैक्ट्स को भी ध्यान रखेंगे, इसमें से डी ऑप्शन जो है करेक्ट है।
अगर ये भी याद रखना चाहें कि जो है जन्म इनका कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1872 को पैदा हुए थे और डेथ हुई थी इनकी 5 दिसंबर 1950 को पौंडीचेरी में, ठीक है, कोलकाता में जन्म हुआ था इनका। सोलह अगस्त 2022 से आयोजित पहले खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग जो अंडर 16 का है, उसके फर्स्ट फेज की मेजबानी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जो है की जाएगी। तो ये स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, ये न्यू दिल्ली में है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर, ये उनका पूरा नाम है, इन्होंने हाल ही में विश्व शांति आयोग यानी कि वर्ल्ड पीस कमीशन के लिए 3 लोगों के नाम सुझाए हैं, निम्न में से कौन में से एक शामिल नहीं है, ठीक है। तो जो है अभी हाल फिलहाल जो एक युद्ध की स्थिति विश्व में बनी है, जैसे इधर रशिया यूक्रेन चाइना ताइवान ये सब है ना, तो इसी क्रम में एक विश्व जो है शांति आयोग के गठन की जो है के लिए प्रपोजल दिया है यहाँ पे मैक्सिको के राष्ट्रपति ने, और इन्होंने कहा है कि एक रिटर्न प्रपोजल ये प्रेजेंट करेंगे यूनाइटेड नेशंस में कि अगले 5 वर्षों के लिए जो है विश्व में एक युद्ध विराम की स्थिति बने उसके लिए पीस कमीशन जो है सेटअप किया जाए 3 लोगों का, जिसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस जो वेटिकन सिटी वाले हैं, और एंटोनियो गुटेरेस है ना जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, तो इन तीनों की जो है एक सदस्यता वाला ये आयोग बने। तो इसमें जो बाइडेन जो है ये शामिल नहीं है, तो थोड़ा डिटेल में भी इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट रह सकता है ये कॉन्सेप्ट। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर, ठीक है, ये पूरा नाम है, जैसे भारत में भारत रत्न होता है तो ये फ्रांस का है, तो इससे किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, तो कांग्रेस के लीडर जो है शशि थरूर, ठीक, डी ऑप्शन इनको मिला है। इंटर जनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, ठीक है, ये थीम है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का। तो ये किस दिन मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल वाला जो युवा दिवस है ये मनाते हैं 12 अगस्त को, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और भारत में जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो है स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती पर मनाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 44वां शतरंज ओलंपियाड का जो आयोजन चेन्नई में हो रहा है, तो इसके ओपन सेशन में जो है उज्बेकिस्तान ने किस देश को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है, तो यहाँ पे इन्होंने हराया था नीदरलैंड की जो है टीम को, ऑप्शन बी। विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो डेट भी याद रखिए, ऐसे ऐसे डेट्स को भी पूछा जाता है। पहली बार इसको कब मनाया गया था, तो 2012 से जो है ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। समुद्र की गहराई में छिपे कई रहस्यों को खोजने के लिए किस देश ने मेगा महासागर मिशन जिसका नाम है समुद्रयान इसको शुरू किया है, तो ये भारत के द्वारा ही शुरू किया गया, ठीक, ऑप्शन डी। हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पानी के सैंपल की जांच में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पे है, ठीक है, तो जो है वाटर टेस्टिंग सैंपल्स के मामले में जो है यूपी फर्स्ट रैंक पे है। मोहम्मद बिन तुगलक के निर्णयों का निम्न में से कौन सा क्रम जो है सही रूप से जो है क्रोनोलॉजी में है, तो देखिए जो है स्पेशली इसने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल यूनिटी के क्षेत्र में काम किया, इसके लिए इसको जाना जाता है। इसके जो है खजाने खाली थे एक तरीके से, तो जो दुआब का रीजन देखते हैं आप, तो वहाँ पर इसने जो है यहाँ पे रेवेन्यू को इनक्रीज किया, ठीक है, तो टैक्सेस वगैरह बढ़ाया, तो इस वजह से कई सारे लोग जो है टैक्सेस हैवी टैक्सेस को बचाने के लिए फॉरेस्ट वगैरह में चले गए, ठीक, तो उससे आने वाले टाइम में इसके टाइम पे काफ़ी फूड शॉर्टेज वगैरह हो गई थी, ठीक, तो ये घटना जो है सबसे पहली है। उसके बाद यहाँ पे इसने अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको दिल्ली से जो है देवगिरी शिफ्ट किया था, मंगोल इन्वेजन वगैरह काफ़ी होते थे उस टाइम पे। उसके बाद जो है टोकन करेंसी का सिस्टम इसने जो चालू किया था, कॉपर करेंसी सिस्टम, ठीक, तो वो भी जो है फेल हो गई थी योजना, उसको फिर इसने विथड्रॉ किया था। तो उसके बाद ये जो इसके अभियान वगैरह वाले ये सबसे लास्ट में आते हैं, तो 1324 जो है ये कोड हमारा इसमें से सही होगा, है ना, सी वाला 1324। फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो 3 जो है लोगों के नाम लिखे हैं इनके नाम भी आपको पता है, और इनसे संबंधित जो फिलोसफी है जैसे अद्वैत वेदांत है ना, विशिष्ट द्वैतवाद, ये सब
तो उसी क्रम में अगर हम देखें इनका सही कालानुक्रम कौन सा है, तो इनका जो टाइम पीरियड है हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है शंकराचार्य हैं, है ना, इनका जो है जन्म लगभग 788 एडी के आसपास था। फिर रामानुज जो हैं, रामानुजाचार्य, ये 1137 के आसपास इनका जन्म का समय है। और उसके बाद चैतन्य जो हैं, ये लेटर ऑन करीब 1500 एडी के आसपास का इनका टाइम पीरियड है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश के ग्वाडलजारा शहर को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के लिए नामित किया गया है? ठीक है, तो वर्ल्ड बुक कैपिटल यहाँ पे 2022 के लिए डिक्लेयर किया गया था ग्वाडलजारा को, जो कि सिटी है मैक्सिको की। ठीक, इसमें से ऑप्शन ए को चुनेंगे। ग्वाडलजारा यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटी वाला लिस्ट है उसमें भी शामिल है वर्ष 2017 से, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। अगला है 26 से 30 अप्रैल के मध्य एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला, जिसको कि नाम दिया गया आहार 2022, इंग्लिश में देख लीजिए। ठीक है, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसको आयोजित किया गया था दिल्ली में जो प्रगति मैदान है, यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो एपीडा है और ये एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और ITPO इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन दोनों के सहयोग से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पे। और मोर देन 80 एक्सपोर्टर्स जो हैं अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स, है ना, जिसमें GI प्रोडक्ट और फ्रोजन फूड, ऑर्गेनिक फूड, है ना, इन सबको जो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। अगला देखिए, अप्रैल 2022 को किस मंत्रालय ने ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नामक एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ठीक है, तो ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बेसिकली एक प्रकार का जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो गया। बेसिकली इसको एज अ अल्टरनेटिव जो है लॉन्च किया गया है, जितने भी चाइनीज जो है डेवलपमेंट होते हैं जो अलग अलग देशों में उसने जो है लोगों को कर्जा दे करके अपने डेट ट्रैप में फंसा रखा है, तो उसी के एक अल्टरनेटिव मॉडल के रूप में इसको इंडिया ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने शुरू किया है। और रिसेंटली अभी इंडिया ने जो है यूके के साथ एक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप जो है उसको शुरू किया था, तो वहाँ पे जो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के मोड के रूप में जो ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ना, ये यहाँ पे एक टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा कि इस फंड को यूज़ करके जो ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसी जो देश हैं उनके साथ इस फंड को यूज़ करके प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जा सके। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि चाइनीज ऑल्टरनेटिव जो है उसको कॉम्बैट करने के लिए यहाँ पे जो है इसको शुरू किया गया है प्लेटफॉर्म को। जून 2022 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO इसका 12वां मिनिस्ट्रियल यानी मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो ये स्विट्जरलैंड में जिनीवा में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है कि द ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे कंडक्टेड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एवरी, तो यहाँ पे ये प्रत्येक जो है 5 वर्षों पे कंडक्ट किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जो कि यहाँ पे इसको कंडक्ट कर रहा है। डी ऑप्शन को चूज करेंगे। अभी रिसेंटली जो है इसको 2017-18 के जो फाइंडिंग्स थे उसको जो है गवर्नमेंट ने डेटा क्वालिटी का इशू बताते हुए जो है डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो अभी तो फिर इस हिसाब से रिसेंटली इसको फिर से कन्वीन किया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा डी इसमें करेक्ट है। और बेसिकली इसका जो स्कोप है इसको हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे को कंडक्ट करने का, तो जितने भी हमारे जो है ऐसे समझिए कि हाउस होल्ड लेवल पे जो हम कंजम्पशन करते हैं रूरल और अर्बन एरियाज में भारत के, उसका क्या पैटर्न है ना, तो उन सब के संबंध में जो डेटा है उसको कलेक्ट करा जाता है इसमें। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, है ना, एक ये जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, तो मुख्यालय इसका किस देश में स्थित है ये बताना है? तो नाइजीरिया का एक शहर है इबादान, है ना, यहाँ पे स्थित है, ये ऑप्शन करेक्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी इसके पार्टनर्स होते हैं उनके साथ क्रॉप क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, है ना, और प्रोड्यूसर कंज्यूमर के जो रिस्क एसोसिएटेड हैं एग्रीकल्चर में, इन सब चीज़ों के बारे में जो है काम करते हैं सबके संवर्धन के रूप में। इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो कुछ फसलें यानी क्रॉप्स हैं और उसकी प्रजातियां लिखी हैं, तो सी ऑप्शन हमारा जो है इसमें से ये गलत हो जाएगा। अलसी की प्रजाति लिखा है सूर्या, ये गलत है। सूर्या जो है पपीता यानी पपाया की जो है एक वैरायटी है जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो है इन्होंने डेवलप किया है। पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बारे में दो स्टेटमेंट हैं कि एक का आकार त्रिकोण है और दूसरे का एस की भांति है, तो मैप में देख लीजिएगा, है ना, तो दोनों स्टेटमेंट यहां से हम सही चुनेंगे ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है पॉइंट पेड्रो निम्न में से किस देश में स्थित है। ठीक है, तो पॉइंट पेड्रो जो है ये यहाँ श्रीलंका का जो जाफना डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे स्थित है। कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है काफी मात्रा में यहाँ पे। ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा। और श्रीलंका का जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर वाला भी ये पॉइंट पेड्रो जो है ये है। गुप्त काल में इनमें से किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप पढ़ते हैं, कुमार गुप्त ने जो है इसकी स्थापना की जो है, और बाद में चल के क्योंकि ये काफी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया जो है स्टडीज का, है ना, बुद्धिज्म वगैरह भी काफी फ्लरिश हुआ यहाँ पे। और बाद में देखते हैं तो बख्तियार खिलजी ने इसको जो है डिस्ट्रॉय करवा दिया था, आग वाग लगवा दी थी, तो यहाँ से इसका जो है एक डिक्लाइन हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा, इसको ध्यान रखेंगे। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्ट किल पदनाम जो है किनके लिए प्रयुक्त होते थे। ठीक, तो यहाँ पे जो है सबसे छोटी यूनिट जो होती थी एडमिनिस्ट्रेशन पे इस टाइम में गांव की होती थी, तो गांव का जो मुखिया होता था, है ना, प्रधान कह लीजिए जो वर्तमान में जिसको आप जानते हैं, तो उसको मुखिया या महत्तर कहा जाता था। और इसी में जो दक्षिण भारत के क्षेत्र थे यहाँ पर पट्ट किल कहा जाता था इसको। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा इसमें से करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ तक हमने आज पूरे 50 क्वेश्चंस देखे इस वीडियो में, इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे, तब तक इन सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।